कि हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का आईन हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम कुरान को अपने सीने में रखें। हिंदुस्तान का आईन कॉन्स्टिट्यूशन हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने मजहब पर चलें। जब हिंदुस्तान का वजीर आजम मोदी अगर किसी मंदिर को जा सकता है तो यकीनन तुम भी फकर के साथ अपने मस्जिदों को आबाद कर सकते हो। अगर वो जाकर किसी गुफा में बैठ सकता है तो तुम मस्जिद में जाकर चिल्ला बैठ सकते हो। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान है, हिंदुस्तान में भी आईन जिंदा है। 300 जीतने से कोई आईन के हुकूक मुझसे नहीं छीन सकेगा, कोई आईन के हुकूक हमसे नहीं छीन पाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने जिस जुमले से अपनी तकरीर का आगाज किया था कि अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो, कि हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का आईन हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम कुरान को अपने सीने में रखें। हिंदुस्तान का आईन कॉन्स्टिट्यूशन हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने मजहब पर चलें। जब हिंदुस्तान का वजीर आजम मोदी अगर किसी मंदिर को जा सकता है तो यकीनन तुम भी फकर के साथ अपने मस्जिदों को आबाद कर सकते हो। अगर वो जाकर किसी गुफा में बैठ सकता है तो तुम मस्जिद में जाकर चिल्ला बैठ सकते हो। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान है, हिंदुस्तान में भी आईन जिंदा है। 300 जीतने से कोई आईन के हुकूक मुझसे नहीं छीन सकेगा, कोई आईन के हुकूक हमसे नहीं छीन पाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने जिस जुमले से अपनी तकरीर का आगाज किया था कि अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो।